हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। आज की बताने वाली है वाइब्रेट फॉर कॉल्स इनेबल डिसेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है माइक्रो मैक नोट वन। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग का ओपन करना है, और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ दिखता है साउंड, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, आप उसको यहाँ से इनेबल करेंगे तो आपका इनेबल हो चुका है। जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा तो आपका वाइब्रेट हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसको इनेबल करते हैं। और इसको डिसेबल करने के लिए आपको इसी पर क्लिक करना है तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। तो आई होप आप सीख चुके कि वाइब्रेट फॉर कॉल्स को डिसेबल कैसे करते हैं और इनेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के नीचे आपको यहाँ दिखता है रिंगटोन, आप यहाँ से रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिंगटोन ट्राई करके देखेंगे कौन सा पसंद है आपको। जैसे ये ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डर्स मतलब कि रिकॉर्ड करके सेट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ऐड रिंगटोन पर, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिकॉर्ड का ऑप्शन, आप इसको रिकॉर्ड करके रिंगटोन लगा सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे और फिर से बैक करेंगे, ओके बैक भी करेंगे आधा, तो आपका ऐसी इसी प्रकार से आप अपने फोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे आपको दिखता है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, आप यहाँ से इसे भी चेंज कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने रिंगटोन चेंज करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भी रिकॉर्डर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर से भी रिकॉर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने फोन में इसे भी सेट कर सकते हैं। अलार्म साउंड को भी इसी प्रकार करते हैं फ्रेंड्स। और यहीं पे दिखता है आपको डायल पैड टोन, आप इसे भी इनेबल और डिसेबल इस प्रकार कर सकते हैं। और इसे भी इनेबल और डिसेबल इसी प्रकार कर सकते हैं स्क्रीन लॉकिंग साउंड को। और नीचे दिखता है आपका टच साउंड, आप इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और इसे इनेबल करने से ये होता है जब भी आप किसी को टच करते हैं तो आपका वाइब्रेट होता है फ़ोन, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा है टच वाइब्रेट, यानी कि आप इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आई होप आप सीख चुके कि मतलब इन सभी को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको अदर साउंड भी बता चुके हैं, और ये वाइब्रेट फॉर कॉल्स को इसी प्रकार से इनेबल करते हैं और इस प्रकार से डिसेबल करते हैं। तो आई होप आप सीख चुके कि वाइब्रेट फॉर कॉल्स को इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।